तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए रोस्ट के साथ। वैसे मैं चाहता था कि मैं जो फर्स्ट कॉपी जो डुप्लीकेट होते हैं उनका रोस्ट करूं, लेकिन अभी इतनी सारी चीजें गलत चल रही है हमारे YouTube पे। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी चीजें गलत चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर बात कर दिया जाए। जैसे आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे डिस गेम चल रहा है, कोई इसको डिस कर रहा है, कोई उसको डिस कर रहा है। जैसे ये बहुत पहले हो चुका था रफ्तार और एमिवे के बीच में, अब ये चल रहा है एमिवे और कृष्णा के बीच में डिस का गेम चल रहा है। तो इसमें बहुत ही ये जो डिस है वो बहुत वल्गर तरीके से जा रहा है, मतलब गालियों को लेके। फिर कोई किसी की बंदी पे बोल रहा है, कोई किसी के माँ पे बोल रहा है, बंद करो हाथ जोड़ के। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जितना जल्दी हो सकता है इस चीज को खत्म कर दो, क्योंकि हम ऑडियंस है, हम चाहते हैं कि अगर हम लोग कुछ अच्छी चीजें सुन रहे हैं तो फिर अच्छी चीजों के ऊपर, जैसे अगर कोई भी रिएक्ट करना चाहता है, कोई भी गाने को अगर फेमस करता है, तो फिर वो डिस ये सारी चीजें नहीं करेगा यार। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो जेन्युइन बंदे होते हैं जिससे सिर्फ गाना सुनना होता है या किसी को रैप सुनना होता है, तो वो चाहेगा ठीक है आप लोग एक दूसरे को करो, आप फैमिली के ऊपर मत जाओ, चाहे वो कृष्णा हो चाहे वो एमिवे हो। और जितना जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो जाता है उतना हम लोग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग खुद सॉन्ग सुनना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना हो। इसमें क्या होता है कि लोग झगड़ते हैं और फिर मजा कोई और लेता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि झगड़ा लड़ाई मत करो, जितना हो सकता है हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिर रैपिंग इंडस्ट्री है इसको अच्छे वे से आगे लेके जाओ, ना कि इस तरीके से। मेरा सिर्फ यही कहना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कौन जीता है डिस में, वो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, और किसका क्या राय है वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में कि आज हम लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं। मेन जो बात था वो आप लोगों को कर लिया, अब हम लोग बात करने वाले हैं जो ऐसे ऐसे रील्स जो बहुत ही गंदे तरीके के रील्स बनाए जाते हैं, जो बहुत वल्गरिटी के रील्स होते हैं। तो आज हम लोग वो वल्गरिटी के रील्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो वल्गरिटी वाले रील्स होते हैं वो क्यों आखिरकार अपलोड होता है और किस लिए लोग इसे देखते हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना शेयर करते हैं। तो जरा सा भी वेट नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना। अभी हम लोग ये रील्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला आप लोग ये रील्स देख लो। आँखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। तो आप लोगों ने ये रील्स देख लिया होगा। अब इसको देख के आपको क्या लगता है कि हर वीडियो में मतलब क्या दिखाना क्या चाहते हैं? कुछ अच्छा करो यार। आप लोग के घर वाले भी देखते होंगे ऐसे रील्स, तो वो अगर देखते होंगे तो क्या वो आपके पास आके बोलते होंगे कि बेटी वाह क्या अच्छा काम किया तूने? जरा सोचो क्या कर रहे हो, मतलब किस वे में इस चीज को लेके जा रहे हो, क्या ये करना सही है? सिर्फ लाइक और फॉलोअर के लिए मत करो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है लोगों के पास जो लोग अच्छे तरीके से भी फॉलोअर्स ले रहे हैं। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा सबर करो, थोड़ा धीरे धीरे टाइम जाएगा पर फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपको। आपको अगर इसी फील्ड में काम करना चाहते हो तो अच्छे वे से निकलो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो लोगों की नजर भी उसी तरीके से आपको देखा जाएगा। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म में जाओगे या आप बहुत आगे भी बढ़ जाओगे बट नजर लोगों की उसी तरीके से आपके ऊपर होगी। तो जल्दी ग्रो करने के लिए ये सारे काम मत करो प्लीज, मेरा सिर्फ यही आप लोगों से एक विनंती है। तो चलो, तो अभी जो मैं ये दूसरा वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, वो वीडियो देखने के बाद क्या ही मैं बोलूं यार, क्या ही बोलूं, मतलब इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए यार। देखो मतलब कहीं ना कहीं गलत होता है। एक काम करो आप लोग पहले वीडियो देख लो। देखा वीडियो, मतलब ये जो नवाज भाई ने अभी बोला ना वो सही था, मुझे ऐसा लगता है कि बंद करो यार, बंद करो ये सब चीजें। देखो इस चीजों को मत करो, मेरे हाथ जोड़ के विनंती है प्लीज, क्योंकि जो देख रहा है उसको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको वीडियो बनाते हुए कैसे अच्छा लग रहा है मैं वो सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज ऐसी चीजें मत कर जिससे तुम्हारा परिवार का नाम खराब हो। इसको बहुत बहुत तरीके से आदमी रोस्ट किया होगा और कर भी सकता होगा, लेकिन आप लोग क्यों मौका देते हो? आप लोग मौका ही नहीं दोगे तो फिर लोग इस तरीके की चीजें कैसे करेंगे? तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसे वीडियोस मत बनाओ, मौका मत दो किसी को आपके ऊपर दो बात बोलने के लिए, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि वो मेरे पे दो बात बोल रहा है। तो अगर कोई दो बात आप पे बोल रहा है तो फिर आप उस चीज को मौका दे रहे हो, आप उसको एक वे दे रहे हो बोलने के लिए। थोड़ा अच्छा काम करो, अच्छी चीजें करो। चलो अब जाते हैं उनके नेक्स्ट वीडियो। तो अभी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा।
भाई साहब, मतलब पर्टिकुलर पूरा इंस्टाग्राम रील पे इनके जितने भी फॉलोअर है वो सब यही करने से हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ कोशिश किया गया है कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो, हाईलाइट हो। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है कौन है जो ऐसे लोगों को फॉलो करता है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता आज तक। अगर हम लोग भी ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे कंटेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन आप अगर देखोगे ना, वो अगर अच्छा कंटेंट बनाई होगी तो उसके अच्छे कंटेंट पे इतने व्यूज नहीं होंगे जितने गंदे चीजों पे इतने व्यूज है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें गलती होती है, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस को क्यों लाइक कर रहे हैं, मतलब उसको इसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और जब उसको इसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं फिर वो मतलब कोई भी ऐसा सोचेगा जब मैं इस तरीके से हो रही हूँ तो फिर यही कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा मत करो, अगर आप लोग भी कहीं पे ऐसी चीजें देख रहे हो तो उसको रिपोर्ट करो, उसको बताओ कि ये गलत चीज है। ये सारी चीजें अगर होगी तो आइंदा से वो वीडियो नहीं होगा, वो वीडियो ऐसे वीडियो को लाइक ही मत करो, ऐसे वीडियो को निग्लेक्ट करो, छोड़ दो, जो चल रहा है चलने दो, उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कर रही हूँ। और उसके अच्छे वीडियोस को लाइक करो, अच्छे वीडियोस पे कम लाइक है और ऐसे गंदे वीडियोस पे ज्यादा है। अगर कभी वो, या तो ऐसा भी हो सकता है इसने पूरे ऑडियंस ही वैसे लिए, सारे ऑडियंस उसके वैसे ही है कि जो वही चीज देखना चाहते हैं, तो ये भी एक बोल सकते हैं। तो जितना हो सकता है प्लीज अगर आप देख रहे हो तो ऐसी चीजें मत करो यार, आपके लिए ही सही है, आप समझो थोड़ा। नहीं है कमरे में क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। अभी वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने, मतलब क्या जरूरत थी, अगर रील बन रहा है तो लिपसिंग करो, चैन को नीचे करके ऊपर करने की क्या जरूरत थी, मतलब वो उनके माइंड में ही हो चुका है कि यही देख रहा है तो इसी को चालू रखो, क्या ही जरूरत थी यार, विचित्र क्या चल रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अभी अगर इस चीज को इतना जल्दी नहीं रोका गया तो फिर ये बहुत ही नेगेटिव वे में चला जाएगा, और जब आदमी को लाइक और व्यूज दिखता है तो फिर वो और खुद को एक्सपोज करने में लग जाएगा। तो प्लीज मत करो ऐसा, क्योंकि आप ये सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे अगर आप ये कर रहे हो तो सब लोग देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो फिर वो बोलेंगे भी, क्योंकि आप खुद से दिखा रहे हो। तो ऐसा मत करो, यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सारी चीजें मत करो। कितने आपके रील्स देख लूँ, उतना ही कम है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और इस वीडियोस को रोस्ट करूँ या बनाऊँ तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, और भी हम लोग वल्गरिटी वाले वीडियोस लेके आए कि ऐसे वीडियोस नहीं करना चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज के रोस्ट वीडियो में अगर आप लोग को मजा आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कैसा भी लगा होगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मुझे फॉलो कर लेगा तो फिर वहाँ पे आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये करो वो करो, तो सारी चीजें हम लोग करेंगे। आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, कुछ नहीं बोलूंगा बट अल्टरनेट डेज पे मैं जरूर कुछ ना कुछ अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाकी एमीवे और कृष्णा के बारे में जो भी चल रहा है मैंने मेरी ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर कर दी, बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना आप लोग। और जितना जल्दी ये सारे जो भी डिश चल रहा है इन लोगों के बीच में, जो भी रैप बैटल चल रहा है, वो जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना हम लोग के लिए भी अच्छा है, और जो ऑडियंस देखती है, जो इनको फॉलो करती है, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, अगर ये चल रहा है ना तो कोई अगर अच्छे वे से भी आपको फॉलो करता है तो वो नेगेटिव वे में देखने लग जाएगा, तो ये सारी चीजें बंद हो जाए तो ही सही है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, लव यू। अगर वीडियो मजा आया वीडियो को लाइक करो, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा नीचे कमेंट करके बताओ, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। बाय, सी यू, लव यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।